गुजरात में जब हम कभी दौरा करते हैं और आपके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो वो प्यार से आपको गुजरात नो नाथ कहते हैं। मतलब मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा गुजरात का स्वामी। गुजरात के किसी समारोह में जब कोई ये बात बोलता है मेरे आगे या सार्वजनिक रूप से बोलता है कि मोदी गुजरात नो नाथ छे, तो मैं अपने भाषण में तुरंत कहता हूं कि मैं गुजरात का नाथ नहीं, मैं गुजरात का दास हूं। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, आपके दोस्त लोग जब ये कहते हैं कि अब नरेंद्र भाई को गुजरात से अब दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि अभी आडवाणी जी अपनी एक तरह से आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं इस वक्त, उसके बाद कौन, और उसके बाद नाम आता है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं। अब ये चर्चा होती है तो आप क्या सोचते हैं? ये चर्चा कोई हमारे देश में नई नहीं है। इसके पहले भी पंडित नेहरू के जाने के बाद इस देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे थे, यशवंतराव चव्हाण, बाद में शंकर राव चव्हाण, फिर शरद पवार, फिर श्रीमान नारायण दत्त जी तिवारी, चंद्रबाबू नायडू, डॉक्टर जयललिता जी, अनेक लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री काल में ही बस साहब आप तो प्राइम मिनिस्टर, बस साहब आप तो प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कहने वाले लोग, हवा भरने वाले लोग भीड़ खड़ी हो जाती है। और ये वो लोग होते हैं साहब, न उनको प्राइम मिनिस्टर बना पाते हैं न मुख्यमंत्री रहने देते हैं। तो मैं इस इतिहास का बड़ा अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं सब ऐसी बात करने वाले मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि भैया मुझे चैन से जीने दो, मुझे मेरे गुजरात की सेवा करने दो। ये आपके पंप मुझे हवा नहीं भर पाएंगे, आपके पंप बेकार है। मैं एक बड़ा तपस्वी की तरह गुजरात की सेवा में, एक साधक की तरह काम में लगा हूं, इसलिए चीजें मेरे लिए बेकार है। जी फर्ज कीजिए, जैसा कि आपकी पार्टी के लोग कहते ही होंगे कि अगली सरकार एनडीए की आ रही है, अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार आ जाती है दिल्ली में और आपको दिल्ली बुलाया जाता है, तब? एक तो एनडीए की सरकार आना निश्चित है, एनडीए की सरकार आना निश्चित है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी निश्चित है, और एनडीए की टीम जो चुन करके आएगी वो देश के लिए चलाने के लिए बहुत सामर्थ्यवान होगी। और आडवाणी जी और दिल्ली की सरकार गुजरात के पास से जो काम चाहेगा, गुजरात सरकार से जो चाहेंगी, आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी गुजरात से जो काम चाहते हैं वो उसी लगन से हम करते हैं। एनडीए की सरकार बनाएंगे तब भी हम उतने ही लगन से गुजरात के काम को इतना करेंगे उतना करेंगे ताकि एनडीए की सरकार को सारे देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त हो। आप जो कह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है और एनडीए की सरकार बनती है, तो उसमें गृह मंत्री की कुर्सी है वो खाली होगी, क्योंकि पिछली बार गृह मंत्री आडवाणी जी से और आप के अनुसार वो अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे और लोग आपको एक आइडियल गृह मंत्री के तौर पर देखते हैं, आपकी पार्टी के भी कई लोग देखते हैं। अगर ऐसा आपको एक विकल्प मिले तो आप गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे? और आप जो बातें करते हैं आतंकवाद के बारे में, वो आप तब आपके पास एक मौका होगा कुछ करके दिखाने का? गुजरात की सेवा करने के लिए गुजरात की जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी पूरा करना मेरा दायित्व है, और मैं पूरे लगन के साथ गुजरात की जनता ने जो काम दिया है उसको पूरा कर रहा हूं। बड़ी भक्ति से, मनोयोग से बड़ा लीन हो चुका हूं मैं गुजरात की सेवा में, और जैसे वो पक्षी की आंख है ना, उस प्रकार से मुझे सिवाय गुजरात कुछ दिखता ही नहीं और मैं देखना चाहता भी नहीं। यानी वो विकल्प अगर आएगा तो आपको कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है दिल्ली आने? गुजरात गुजरात गुजरात, मेरा गुजरात मेरे भारत माँ की सेवा में इतना प्रगति करे, इतना समृद्ध बने, इतना विकास करे कि मेरे देश की और समस्याओं के समाधान के लिए भी गुजरात काम आ जाए। एक सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि आप बीजेपी के सदस्य हैं, एक आपने इतने चुनाव देखे हैं, चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में आप क्या सिनेरियो देखते हैं, क्या क्या तस्वीर आपको नजर आती है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर? मैं एक तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और एक विद्यार्थी के रूप में अगर मैं देखता हूं तो यूपीए सरकार कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है, विफलता की कोई कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए कि दिल्ली की सरकार आतंकवादियों को पकड़े और उसी आतंकवादियों को बचाने के लिए उसी सरकार के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी लीगल एड की बयानबाजी करे और उसी सरकार का मंत्री उसका समर्थन करते हैं। अब इससे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन कोई हो नहीं सकता। एक तरफ वो आतंकवाद की चर्चा करे
और दूसरी तरफ एक सस्पेक्टेड आतंकवादी पकड़ा जाए तो दूसरे ही दिन उनके घर कांग्रेस के नेता पहुंच जाए, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच जाए। बेंगलोर के अंदर कोई सस्पेक्टेड आतंकवादी यूके में पकड़ा जाए और उसकी मां टीवी पर रोने लगे और देश के प्रधानमंत्री बयान दें कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगर आतंकवादी की मां रो रही है और देश के प्रधानमंत्री की नींद उड़ जाती है, देश में इतने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और दिल्ली की सरकार की नींद नहीं उड़ती है, तो ऐसी सरकार का भविष्य हो ही नहीं सकता। नंबर गेम की अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ज्यादा सशक्त होने वाली हैं अगले चुनाव में, या फिर आपको लगता है कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल वो ज्यादा मजबूत होंगे और वो डिसाइडिंग? कांग्रेस के साथ यूपीए में जो पार्टनर्स हैं वो राज्यों में उनके प्रतिस्पर्धी है। एक ऐसी गठजोड़ है, जबकि एनडीए की विशेषताएं हैं कि उसके जो पार्टनर है वो राज्यों के अंदर उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। ये सबसे बड़ा बेसिक अंतर है। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनने के बाद जितने राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस एक के बाद एक उनकी हालत खराब होती गई, चुनाव हारते गए, कुछ नहीं बचा पाए। साउथ में बीजेपी पैर नहीं रख सकती ऐसा कहने वाले लोग आज साउथ के अंदर कर्नाटक में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की शान से सरकार चल रही है। ये सारा चित्र साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके साथियों के लिए जनता का प्रेम मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे भी पूछूंगा कि कहा यह जाता है कि लोकसभा जब चुनाव होता है तो उसका विधानसभा चुनाव से पैटर्न अलग होता है वोटिंग का, और यही कारण रहा कि आपके राज्य में भी पिछली बार कांग्रेस 12 सीट ले गई, 12 लोकसभा सीट। इस बार आप वैसे ही कुछ संभावना देख रहे हैं? देखिए, असेंबली और लोकसभा के चुनाव की पैटर्न अलग होती है वो तो मैं जानता ही हूं, और उसी का फायदा इस बार हमको भी मिलने वाला है। इस बार गुजरात में बीजेपी को कल्पनातीत सक्सेस मिलने वाला है।